श्री प्रमोद कुमार जी जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं। हे महाराज श्री, कोयल अपने बच्चे कभी भी खुद नहीं पालती, वह चोरी से अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख आती है। अन्य पक्षी की तुलना में अंडे में से कोयल का बच्चा जल्दी निकलता है और कोयल का बच्चा दूसरे के अंडों को नीचे गिराकर घोंसले पर कब्जा कर लेता है और कोयल वहां शिफ्ट हो जाती है। प्रश्न यह है कि इतनी क्रूरता के बावजूद भी हम कोयल को उसके मीठे स्वर के कारण अच्छा मानते हैं, क्या चालाकी भरा मीठा बोलना अच्छा है? देखिए, बड़े विचित्र प्रकार का सवाल है। कोयल के संदर्भ में एक दृष्टिकोण ये है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में उसके अंडों को अलग कर अपने अंडे देती है और कौवे उस अंडे को अपना अंडा मानकर उसे सेते हैं, उसका बच्चा निकलता है और समय पाकर वो उड़ जाता है। नीतिकारों ने इसे अलग संदर्भ में लिया और कहा कि कौवों के मध्य में परवरिश होने के बाद भी कोयल मीठा बोलती है, यही महान आत्माओं की पहचान है। एक दृष्टिकोण ये भी है और प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न को एक अलग मोड़ दिया और उसमें एक बात और जोड़ दिया कि कोयल के बच्चे कौवे के अंडों के या अन्य पक्षियों को अंडों को नीचे गिरा देते हैं। ऐसा वो नहीं करते, जैसा मुझे मालूम है। केवल जब उन्हें जन्म देना होता, अंडे देना होता है, तो कोयल खुद ऐसा करती है। आपने पूछा चालाकी भरी मधुरता क्या स्वीकार है, इसे मैं दूसरे संदर्भ में ये कहूँगा कि अगर मनुष्य के जीवन में 100 अवगुण हों और एक वचनों में माधुर है तो समाज में वो स्वीकार है। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई ना फटके उसके पास। समझ गए? तो ये मिठास, बाकी ये तो प्रकृति है। अब कोयल की क्रूरता चतुराई उसकी जगह है, पर मैं ये कहूँगा इसे दूसरे संदर्भ में अगर देखो तो क्रूरता से जन्म लेने वालों के भीतर भी मधुरता हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि तुम किस परिस्थिति में जन्मे, सवाल तो केवल ये है कि तुम किस तरह जिए। बस हमें ये समझना है, हमारा जन्म जैसा हुआ हो वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण हमारा जीवन है जिसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए।